हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मधुनेगी ब्लॉगर में। तो दोस्तों, मैं आज यहाँ पे कर रही हूँ खीर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, छोटी सी रेसिपी जो कि काफ़ी अच्छी है और आप एक बार ज़रूर ऐसे बना के भी ट्राई कर लीजिएगा। आप रबड़ी खाना भूल जाओगे दोस्तों, इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी मज़ेदार बनती है। तो चलो दोस्तों, फटाफट से करते हैं रेसिपी की शुरुआत। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले रख दिया है यहाँ पे नॉन स्टिकी कढ़ाई रख दी है, आप किसी में भी बना सकते हैं। और चावल रख दिए हैं मैंने, एक कटोरी चावल रख दिए हैं मैंने भिगोने, कम से कम उनको हो गया एक घंटा। और एक कटोरी मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लूँगी और थोड़ी सी लूँगी किशमिश। तो ड्राई फ्रूट को मैंने घी में कर दिया है हल्का सा रोस्ट, क्योंकि रोस्ट करे हुए ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे होते हैं, उनमें खुशबू आती, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इनको मैंने कर दिया है रोस्ट। और यहाँ पे रख दिया है मैंने एक कटोरी चीनी और किशमिश रख दिए हैं मैंने भिगोने के लिए। और चावल मैंने पहले से एक घंटे पहले से मैंने भिगोने रख दिए थे, एक कटोरी चावल हैं। तो दोस्तों, देखिए कैसे बनती है खीर। तो दोस्तों, यहाँ पे बादाम हो चुके हैं अच्छे से रोस्ट, और इनको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा ब्राउन करना है। और अब इनको निकाल देंगे एक प्लेट में, और तब तक ये ठंडा भी हो जाएंगे जब तक खीर बनती है। और फिर मैंने इसमें डालती हूँ 2 चम्मच देसी घी। दूध डालने से पहले मैं इसमें डालूँगी घी, कोई तो पानी डालता है लेकिन मैं डालूँगी, मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पानी भी डाल सकते हैं। और ताकि इसके जो मतलब दूध है वो नीचे तलवा नहीं लगता है। तो गरम करने से पहले 2 चम्मच घी के, और उसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पे दूध। और दूध है मैंने नॉर्मली डाला हुआ है इसमें, काओ मिल्क एंड मदर डेयरी का टोंड है, ये है 2 लीटर। तो इसको मैंने यहाँ पे गरम करने के लिए रख दिया है। और अब इसको हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा चलाते रहना चाहिए ताकि नीचे ना लगे, वैसे तो नीचे लगेगा नहीं क्योंकि मैंने इसमें डाला हुआ है घी। और अब आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे जो मैंने चावल 1 घंटे पहले भिगोने रखे हुए थे, तो इसमें से लूँगी मैं 3-4 चम्मच कम से कम। तो दोस्तों, जब तक दूध होता है गरम तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। ये चावल मैंने जो निकाले थे 3-4 चम्मच, तो मैं तब तक इनको पीस के रख दूँगी मिक्सी में। तो देख सकते हैं आप, इसको मैंने पीस के रख दिया है, और इसको थिक थिक रखना है थोड़ा, ना ज़्यादा पतला पीसना है और ना ज़्यादा मतलब दरदरा पीसना है इसको। तो दोस्तों, दूध हो गया है गरम, मतलब दूध में उबाल आ गया है। तो इसमें पहले 1-2 उबाल आने देना है अच्छे से, और इसको करछी से साइड से कोनों से अच्छी तरह से घुमाते रहना है हल्के हल्के धीरे धीरे करके, ताकि जो मलाई वलाई कोनों में लगी रहती है वो दूध ही में आ जाए। और अब डालते हैं इसमें चावलों को। तो चावल धीरे धीरे करके डाल दीजिएगा, और चावल अच्छे तरह से भीगे हुए, क्योंकि चावल तो 1 घंटा पहले भीग चुके थे। तो अब इनको धीरे धीरे डाल के इनको अच्छे चारों तरफ से घुमाना है ताकि नीचे ना लगे, तलवे ना लगे और ना ही इनके गोले बने। तो धीरे धीरे इनको चलाते रहना चाहिए करछी से। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये कितने अच्छे से खोलने लग गया है और चावल अच्छे से पक गए हैं। और अब डालूंगी मैं इसमें चीनी, और चीनी मैंने 1 कटोरी रखी हुई थी इसमें डालने के लिए, और इसमें से मैंने बचाया है थोड़ा सी, क्योंकि हम मीठा कम ही खाते हैं। तो मीठा अपने इच्छा के अनुसार जितना आप खाते हैं कम ज़्यादा वो आप डाल दीजिएगा। तो मैंने इतनी चीनी बचाई है, और अब इसको अच्छे से घोलना है। और ये थिक थिक होने लग गया है, और कलर भी देखो कितना सुंदर सा आ रहा है इसमें, कलर रबड़ी जैसा, कलर रबड़ी जैसा दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। सो दोस्तों, ये चावल पक चुके हैं, जो मैंने खीर में डाले थे चावल वो पक चुके हैं। और अब आ गई है बारी, जो मैंने चावल बचा के रखे हुए थे, ये ग्राइंड करके रखे हुए थे, और वो अब इसमें ऐड कर देंगे हम। और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये पक रहे हैं, और इसको ऊपर से ऐड करेंगे और इसको घुमाते जाएंगे करछी से धीरे धीरे, ताकि ये नीचे तलवे ना लग जाए। देख सकते हैं आप कितना अच्छी बन गई है खीर, देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा कलर आ रखा है इसका, ऐसे लग रहा है जैसे रबड़ी होगी, खीर नहीं रबड़ी होगी। आप एक बार ऐसा ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, खीर बनके हो गई है रेडी। और हम कर देंगे फ्लेम को कम कर देंगे, हम स्लो फ्लेम में कर देंगे,
और एक बार इसको करछी से चेक करेंगे कि चावल कहीं कच्चे तो नहीं हैं। तो ये देख सकते हैं आप, चावलों को एक एक दाना हम हाथ से क्रश करेंगे तो चावल अच्छे से पके हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, करछी में भी कितनी मोटी सी लेयर आ रही है। और इसको थोड़ा से हल्के हल्के से घुमाते जाइएगा। और अब आगे है बारी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने की। तो सबसे मैं पहले डालूँगी मैं इसमें इलायची, इलायची का पाउडर। पाउडर नहीं है, मैंने इसको इलायची, तीन चार इलायची को कूट के पीस के अच्छे से बारीक कर दिया और उसके छिलके मैंने हटा दिए हैं। और इसको घुमाना है चारों तरफ ताकि ये नीचे तक पहुँचे। तो देखो कितनी थिक बनी हुई है, देख सकते हैं आप। और जो मैंने वो ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे मैंने रोस्ट करके, ऊपर से उनको अच्छे से हम गार्निश करेंगे। देख सकते हैं आप, ये ऐसे अच्छे से चारों तरफ डालेंगे ताकि वो बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। और किशमिश रखे हुए हैं मैंने पानी में भिगोने, तो उनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देख लीजिए हमारे खीर कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों खीर तो हमारी बन चुकी है और अब हम लेंगे इसको एक बाउल में और सर्व करने के लिए, क्योंकि तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा और ठंडी खीर अच्छी लगती है। तो दोस्तों आपको कैसे लगी है ये रेसिपी आप ज़रूर कमेंट करके बताना, और ख़ुद भी बनाना ऐसे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मधुनेगी ब्लॉगर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।